बहकी सभी जुबा हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा ये वीडियो, यार जब से ब्लॉग बनाने की लहर चली है ना दोस्तों, तो पता नहीं लोग कैसे कैसे ब्लॉग बना रहे हैं, व्यूज पाने के चक्कर में, सब्सक्राइबर पाने के चक्कर में कैसे कैसे ब्लॉग बनाए जा रहे हैं। दोस्तों आपने देखा ये वीडियो तो यार दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको? यार आपके बाल बच्चे, हमारे बाल बच्चे सब यूट्यूब देखते हैं और यूट्यूब को गंदा किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूट्यूब टिप्स में। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने वीडियो देखा, दोस्तों ऐसे वीडियो अब माय फर्स्ट ब्लॉग के नाम पे वायरल हो रही है। दोस्तों क्या ये आपको अच्छा लगता है? आप लोग इसे लाइक करते हो, आप लोग इसे पसंद करते हो, आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करते हो और ये ऐसे ब्लॉग बना रहे हैं, माय फर्स्ट ब्लॉग। यार ये कौन सा ब्लॉग है यार? अच्छी वीडियो को कोई लाइक नहीं करता, कोई सब्सक्राइब नहीं करता, ऐसी वीडियो को आप लाइक करके आगे बढ़ावा देते हो। यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा यार, हमारे यूट्यूब को गंदा क्यों कर रहे हैं यार? ऐसे लोग यूट्यूब को गंदा क्यों कर रहे हैं? दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या ये अच्छे वीडियो है, क्या ये यूट्यूब पर आना चाहिए, ऐसे वीडियोस आना चाहिए? आप लोग भी यूट्यूब देखते हो, हमारे बच्चे भी यूट्यूब देखते हैं और कहीं पे भी बीच में ये वीडियो आ जाती है, ये वीडियो आ जाती है दोस्तों, कहीं पे भी बीच में भी ये वीडियो आ जाती है। तो दोस्तों इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है यार हमारे बच्चों पर, इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है? और ऐसे लोगों को वीडियो बनाने की शर्म भी नहीं है, ऐसे लोगों को वीडियो कैसे बनाना चाहिए, कौन से कैसे वायरल करना चाहिए, इनको शर्म भी नहीं है दोस्तों। ये ऐसे ही नंगे होके हमारे सामने खड़े हो जाते हैं यूट्यूब पर और क्या दिखाना चाहते हैं? ये अपना फिगर दिखाना चाहते हैं, अपनी बॉडी दिखाना चाहते हैं। दोस्तों मैं किसी के फिगर या बॉडी के बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि आपके बाल बच्चे, आपकी बीवी, आपकी बहन, आपकी माँ या मेरी माँ, मेरी बीवी बच्चे, मेरे भाई बहन, दोस्तों यूट्यूब पर हर कोई देखता है। आज YouTube का प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा हो चुका है, हर कोई एक टाइम खाना खाए ना खाए लेकिन YouTube जरूर देखेगा। और दोस्तों कुछ इस प्रकार से सामने वीडियोस आते हैं तो दोस्तों क्या हमारे बाल बच्चों पर असर पड़ेगा, क्या हमारी फैमिली पे असर पड़ेगा और क्या आपको पसंद आएगा ये? और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये बात मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, कि क्या ऐसी चीज़ें यूट्यूब पर डालना चाहिए? आजकल मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर कि वल्गर चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं और ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा तादाद में वायरल हो रही है। ऐसे अच्छे वीडियो इतना वायरल नहीं होते जितने ये गंदे वीडियोस जो है ये वायरल होते हैं। दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद मेरा किसी को ठेस पहुँचाना नहीं था, आप लोगों को अगर बुरा लग रहा हूँ तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वीडियो बनाने का मकसद मेरा किसी को ठेस पहुँचाने का नहीं था, सिर्फ मुझे इतना ही चाहिए कि ऐसे गंदे वीडियोज़ जो है वो यूट्यूब पर ना डाला जाए। क्या आप मेरे साथ हो? मुझे कमेंट करके बताएं, क्या आप मेरे साथ हो? ऐसे गंदे वीडियो जो है ये यूट्यूब पर ना आए, क्योंकि यूट्यूब प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है और दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि हर कोई, बच्चे से लेके लड़की से लेके बूढ़े से लेके जवान से लेके लेडीज़ जेंट्स, हर कोई यूट्यूब देखता है। और ऐसे वीडियोज़ अगर यूट्यूब पर देखा जाए, अगर हमारे बाल बच्चे देखेंगे तो उन पर क्या असर पड़ने वाला है दोस्तों, कैसे, क्या आप ही बताइए, मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप ही बताइए कि कैसा असर पड़ेगा। इसको बढ़ावा देने से यार आप लोगों को रोकना होगा, आप लोग अगर इससे रोकेंगे, इसे स्पैम में डालिए, ऐसे वीडियोस को स्पैम में डालिए, आप लोग इसे बढ़ावा देने से रोकिए। आप लोग लाइक शेयर करते हो ना, इसलिए इनके वीडियो ऐसे वायरल होते हैं। ठीक है, माय फर्स्ट ब्लॉग में हम अपनी जर्नी बता रहे हैं तो ठीक है, हम कुछ चीज़ के बारे में डिटेल्स बता रहे हैं तो ठीक है, हम अपनी फैमिली के बारे में अच्छी बातें बता रहे हैं तो ठीक है, लेकिन माय फर्स्ट ब्लॉग में ऐसे गंदे वीडियोस दिखा रहे हैं, अंग प्रदर्शन किया जा रहा है यार ब्रा में, मेरे तो बोलने में भी शर्म आ रही है कि यार ऐसे वीडियोस जो चल रहे हैं यूट्यूब पर, यार ये शर्म की बात है। हम भारतीय लोगों पर शर्म की बात है कि हम ऐसे वीडियोज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। दोस्तों अगर आपको मेरे बातों का, कोई भी बातों का बुरा लगा तो मुझे क्षमा कीजिए, मुझे माफ़ कीजिए, मैं उस वजह से नहीं बना रहा हूँ कि मेरा वीडियो वायरल हो,
मत कीजिए मेरे वीडियो को वायरल, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे वीडियो को वायरल, ना शेयर कीजिए ना लाइक कीजिए, बस मुझे कमेंट बताइए कि यह सही है या गलत है। अगर आपको सही लगता है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को आगे पहुँचाइए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि ऐसे लोगों पर YouTube बैन लगाए, ऐसे लोगों पर YouTube बैन लगाए, ऐसे वीडियोस आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ऐसे वीडियो को बढ़ावा नहीं मिलेगा तो ऐसे लोग वीडियो डालेंगे ही नहीं। यार ऐसे वीडियो डालो कि जो बाल बच्चों में कुछ नॉलेज मिले, कुछ ज्ञान मिले, बड़ों को कुछ ज्ञान मिले, बच्चों को कुछ ज्ञान मिले, कुछ नॉलेज मिले। ऐसे वीडियोस बना रहे हो कि बच्चों में गलत भावना पैदा हो, लेडीज़ों में, लड़कियों में गलत भावना पैदा हो, यार ऐसी वीडियो मत डालो यार। माय फर्स्ट ब्लॉग का नाम बदनाम मत करो यार, इतना अच्छे अच्छे माय फर्स्ट ब्लॉग में लोग अपनी जर्नी बताते हैं, कोई ट्रेवल ब्लॉग बनाता है, कोई फैमिली ब्लॉग बनाता है, कोई क्यूट कपल ब्लॉग बनाता है, यार इनके ब्लॉग कितने अच्छे होते हैं, ये कुछ सीख देते हैं, ये कुछ ऐसी बातें बताते हैं हमें कि हमें यार इनका ब्लॉग देखने में मज़ा आता है। और ऐसे वीडियोज़ जो ऐसे गंदे वीडियोज़ डालते हैं उनका ब्लॉग यार बिल्कुल भी आप स्पैम में डाल दीजिए, आप बिल्कुल ऐसे कमेंट कीजिए, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसे इस ऐसे वीडियोस को स्पैम में डालना चाहिए या नहीं चाहिए। दोस्तों अभी भी फिर से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, अगर आपको कोई मेरी बातों का बुरा लगा हो या कुछ मुझसे गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दीजिए। बस मेरा यही वीडियो बनाने का कारण था कि दोस्तों ये चीज़ यूट्यूब पर रोक दी जाए, यूट्यूब ने इस पर कड़ी कदम उठाना चाहिए, कड़ा कदम उठाना चाहिए कि ऐसे वीडियोज़ को वो अपलोड ही ना होने दे, या फिर जो ऐसे गंदे वीडियोस अपलोड करता है ना उनका चैनल डिलीट होना चाहिए। दोस्तों आप समझ रहे होंगे मैं किस भावना से बोल रहा हूँ, मेरी भावना कोई भी गलत नहीं है कि मैं किस भावनाओं से बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ऐसे गंदे वीडियोस हमारे समाज को गंदा करते हैं। दोस्तों प्राइवेसी हर किसी की होती है, लेकिन प्राइवेसी लोगों के सामने नहीं होती दोस्तों, पब्लिक के सामने नहीं होती। ये एक मीडिया है दोस्तों, ये एक मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर गंदगी अच्छी नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और किसी को ठेस पहुँचाने का मेरा मकसद नहीं था, जन जागृति लाने का मेरा मकसद था। अगर आपको फिर से बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो ये सच में अच्छा लगा होगा ना दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए और ऐसे वीडियो को आगे बढ़ने से रोके, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।